यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ उत्तराखंड के ऐतिहासिक एवं प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। यह क्षेत्र एशिया का प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लकड़ी मंडी का बड़ा कारोबार है। कई धार्मिक स्थल हैं जो ऐतिहासिक हैं। इसी क्षेत्र में भोगपुर डैम और तुमरिया डैम हैं, इसीलिए यह क्षेत्र एशिया का प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो आज हम एक विशेष मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो जसपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर भोगपुर डैम है और उससे सटा हुआ काशीपुर क्षेत्र में आने वाला तुमरिया डैम है। इन दोनों डैम क्षेत्रों की खाली पड़ी भूमि में जो अडूब क्षेत्र है उसमें करीब 2700 किसान परिवार खेती करके अपने परिवारों की आजीविका चला रहे हैं। तो हाल ही में सिंचाई विभाग द्वारा डैम क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को नोटिस देकर 10 दिन के अंदर भूमि एवं मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है, उन्हें अपने भविष्य के प्रति बहुत बेचैनी है, वो लोग बड़े चिंतित हैं। तो लोगों को नोटिस प्राप्त हो गए हैं और नोटिस प्राप्त होने के बाद स्वाभाविक है उनका चिंतित होना। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता सरदार मुख्तियार सिंह जी से। तो मुख्तियार सिंह जी, बताइए कि ये भोगपुर डैम और तुमरिया डैम की खाली पड़ी भूमि में जो किसानों को हटाने का जो सिंचाई विभाग का ये इरादा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पत्रकार के माध्यम से व वहाँ के सम्मानित लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उन लोगों को सिंचाई विभाग के द्वारा नोटिस दिए गए हैं कि आप इन्हें 10 दिन के लिए अंदर खाली कर दे जाए। लेकिन हम सिंचाई विभाग को बता देना चाहते हैं, ये लोग कोई साल दो साल से वहाँ पर नहीं बैठे हैं, इन्हें बैठे हुए 60 वर्ष का समय हो गया। 60 वर्ष का समय बहुत अधिक हो गया, और ना कि इनके मकान भी जो हैं वो भी बिल्कुल पक्के बने हुए हैं। वहाँ पर आप जाके देखिए, धार्मिक स्थल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल बने हुए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, बाकायदा रोडें बनी हुई हैं, उन लोगों के राशन कार्ड हैं, और जो वो गन्ना उगाते हैं उनका यहाँ सरकारी चीनी मिल है, उसमें सट्टे बने हुए हैं उन लोगों के। इसलिए उनके साथ में ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए हम भारतीय किसान यूनियन का युवा ब्लॉक अध्यक्ष होते के नाते से मैं सिंचाई विभाग को चेतावनी देता हूँ भी जो आपने कार्रवाई की है उन्हें वापस लिया जाए, नहीं तो हम भारतीय किसान यूनियन उनके साथ में खड़ा है पूरी तरह से, कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ में ऐसा न्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, यदि सिंचाई विभाग द्वारा अपने नोटिसों के अनुसार अगर कार्रवाई की गई तो भारतीय किसान यूनियन क्या करेगी? भारतीय किसान यूनियन उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाएगी, वो ऐसा उन्हें कदापि नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, इसके लिए आप कोई आंदोलन करेंगे? हाँ बिल्कुल आंदोलन करेंगे, चाहे हमें हाईकमान तक के लिए इसे यहाँ लाना पड़े, जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं उन्हें यहाँ बुलाना पड़े, हम उन्हें यहाँ भी बुलाएंगे यदि सिंचाई विभाग नहीं मानता है। तो इस मामले से आपने जो है, जो भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है नेताजी, आपके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जैसे राकेश टिकैत जी हैं और हैं, तो उनको आपने इससे अवगत कराया? हाँ, इस चीज़ के बारे में उन लोगों को अवगत करवा चुकी है हमारी सारी टीम। तो
पूरा आश्वासन मिल चुका है वहाँ से, यदि ऐसी कोई भी हरकत होती है तो हम लोग एकजुट होके इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा, तो इस मामले को जो है आप राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यदि ये अपने उससे रादों से बाज नहीं आए तो हमें एकजुटता दिखा के और किसानों के साथ में उन्हें विश्वास दिलाता हूँ भारतीय किसान यूनियन आपके साथ खड़ी है। अच्छा, तो ये लोग शरणार्थी लोग हैं? हाँ जी, ये लगभग 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं वहाँ पर अपना। अच्छा, तो कभी सिंचाई विभाग ने इससे पहले या जब ये लोग यहाँ आकर बसे थे उस समय सिंचाई विभाग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं नहीं, ये लोग ये तो अपना आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये जो सिंचाई विभाग ने अचानक ये जो बीड़ा उठाया इनको वहाँ से उठाने का, तो इसके में आपको क्या लगता है? मुझे तो इसमें ये लगता है कि उत्तराखंड में वो 6-7 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राजनीति मुद्दा हो सकता है। अच्छा, राजनीतिक मुद्दा दिखाई दे रहा आपको, है ना? आपका ऐसा आइडिया है? बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिलाकर यदि किसानों के साथ अन्याय किया गया तो भारतीय किसान यूनियन उन किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के हर वक्त खड़ा रहेगा, जो आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बिल्कुल। अच्छा, और इन लोगों के खिलाफ जो ये अब तक कार्रवाई हुई है, तो सिंचाई विभाग से आप मिलकर इस कार्रवाई को वापस कराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये थोड़ा सा अवगत कराएं? सिंचाई विभाग को हम चेतावनी देते हैं जो नहीं आपने उनसे कोई इस संबंध में संपर्क साधने का प्रयास किया जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अभी ये 10 दिन देखते हैं, 10 दिन में क्या होता है अगली कड़ी, तो उस हिसाब से वार्ता करेंगे। अभी नोटिस मिले हुए तो 10 दिन लोगों को हो चुके, तो आप इस संबंध में अभी अधिकारियों से संपर्क साध पाए या नहीं साध पाए? नहीं, अभी तो नहीं हम साध पाए उन अधिकारियों से संपर्क। अच्छा, तो संपर्क करेंगे अधिकारियों से? बिल्कुल बिल्कुल संपर्क करेंगे जैसा ही आगे हमें कुछ। अच्छा, यदि सिंचाई विभाग नहीं मानेगा तब अगली कार्रवाई आप करेंगे? बिल्कुल। तो ठीक है मुख्तार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए सुशील चौहान।